मंडी जिले में हणोगी पुल से थलौट तक अब सारा ट्रैफिक फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनलों से होकर गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पुराना नेशनल हाईवे है उसकी दशा सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। जो पीछे बीते जुलाई से जो बरसात भारी बरसात आई थी उसमें हमारा NH-21 पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, इसकी अभी तक कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। हमें स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो भी यहाँ से जो सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खोला हुआ है रोड, और लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पत्थर रोड पर गिरे होते हैं, स्थानीय निवासी उसको खुद उठवाते हैं, और प्रशासन बिल्कुल इसकी सुध नहीं ले रहा है। और रही बात जो रास्ते हमारे कच्चे हैं गांव के, उन रास्तों को भी जो है स्लाइड की वजह से, इस काम की फोर लाइन के काम की वजह से वो भी टूटे हुए हैं, उसकी भी कोई भी उस पर जो है गौर नहीं कर रहा है। तो हाँ जी, हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे रोड है, जो हमारी व्यवस्था है द्वाड़े वाला रोड, उसको भी चालू किया जाए, और इधर से जो हमारी हनोगी मंडी वाले रोड है उसमें भी हमें ये बताया जा रहा है कि NH की जो इन्होंने काम किया कि यहाँ पे जो हमारी पासिंग थी वो भी उसे उन्होंने बंद कर देनी है। तो कृपया ऐसा ना करें, इससे आम लोगों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर गौर करें और स्थानीय लोगों की दिक्कतों का जो है जल्द से जल्द किया जाए, ताकि दिक्कतें ना हमें दिक्कतों का जो सामना ना करना पड़े। जो पंचायतें जो के लोग हैं जो यहाँ पर रेंस नाला जो हमारा स्टेशन पड़ता है वहाँ पर जो NHAI द्वारा जो काम किया है उस पे ना यहाँ पर हमारे लिए ना आने जाने की व्यवस्था रखी है और ना ही उतने की सुविधा दी है ना, और आम लोगों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। हम इसके लिए भी विनम्र निवेदन करते हैं NHAI या शाहपुर जो भी काम करे यहाँ के लिए हमारी इस दिक्कत का इसका समाधान करे, और यहाँ जो हमारे गांव रेंस गांव बाता कम से कम तीन पंचायतें हमारी बटवाड़ी ज्वालापुर रेंस साथ लगती बांधी पंचायतें सबकी यहीं से आना जाना होता था, आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है। हणोगी माता का मंदिर है वहाँ भी बिल्कुल आना जाना नुकसान है, जो हमारा आना जाना का रोड है वो भी स्लिपों से भरी है, इस पे भी कोई गौर नहीं कर रहा है। हणोगी पुल से लेकर दबवाड़ा और उसके आगे तक पुराना हाईवे बीती बरसात में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आलम यह है यहाँ पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। हणोगी माता मंदिर न्यास के पूर्व सदस्य बलवीर ठाकुर ने बताया कि हणोगी माता मंदिर के लिए भी यही रास्ता जाता है। ग्रामीणों ने कई बार सरकार प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस हाईवे की दशा सुधारने की गुहार लगाई है, लेकिन हालात अभी तक जस के तस हैं। तो अब तक दुख की स्थिति है कि बरसात के बाद यहाँ सारा तहस नहस हो गया है। हणोगी मंदिर एक बार जो कि हमारे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र रहा है, ये भी खंडहर के रूप में पड़ा है, और अभी तक यहाँ का जो NH-21 है उसके स्लिप तक नहीं हटाए गए हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि NH-20 इसको कौन रिस्टोर करेगा, इसकी कौन देखरेख करेगा, जबकि यहाँ हणोगी से लेकर द्वाड़े तक का जो NH है पूरी तरह टूट चुका है, और इसके बाहर से यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि खाली आदमियों को भी जाने के लिए यहाँ सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं, पूरी पंचायत प्रतिनिधि और दोनों तरफ के जनता ये चाहती है कि अतिशीघ्र इसके बारे में चिंतन किया जाए। पंचायतों ने कई बार यहाँ से प्रस्ताव दिए जिलाधीश के माध्यम से, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों को दिए, दूसरे लोगों को भी दिए, लेकिन अभी तक कोई उसका प्रति उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई भरोसा है कि इस पर कुछ होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस पर पुनः चिंतन किया जाए। वहीं इस बाबत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त हाईवे की मरम्मत का एस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिए भेजा गया है, जल्द उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब केसरी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।